हेलो दोस्तों, एग्जाम ग्रेडअप चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इसमें दोस्तों हम जानेंगे ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन होल क्या है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक परत बनी हुई है, लेयर है एक। ये लेयर है दोस्तों ओजोन की। ये क्या करती है, जो सूर्य है उससे जो पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश के साथ आती हैं उनको रोके रखती है, उनको सोख लेती है, क्योंकि वो हमारे लिए काफी खतरनाक है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए सेफ गार्ड, हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन जो गैस छिद्र है, ये ओजोन जो गैस है ये बनी है O3 से, यानी ऑक्सीजन के तीन एटम से। अब देखिए क्या होता है, हर साल जब सितंबर और अक्टूबर में अंटार्कटिक में सूर्य की रोशनी जब वापस आती है, तब सूर्य की रोशनी से जो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये क्लोरीन ब्रोमीन एक्टिव होने से क्या होता है, इससे जो ओजोन है वो नष्ट होने लगती है। जो क्लोरीन होता है दोस्तों, इसका एक एटम या एक परमाणु जो होता है वो 1,00,000 ओजोन के एटम को नष्ट कर देता है। तो आप सोच सकते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ओजोन के लिए कितनी खतरनाक होती है। इससे होता क्या है, जो अंटार्कटिक है उसमें ओजोन छेद बन जाता है, और उसी अंटार्कटिक के ओजोन छेद परत को हम क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र के रूप से जानते हैं। तो अब जैसे देखिए, यहां पर ये पृथ्वी, ये चारों तरफ बनी हुई है ओजोन की लेयर, यहां पर मान के चलते हैं अंटार्कटिक है, तो क्या होगा, इससे जो ऊपर की तरफ इसकी सीध में जो परत होगी ओजोन की, वो जो है नष्ट हो चुकी है, वहां पर ओजोन की जो लेयर है नहीं है। उसी छेद को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओजोन छिद्र, ओजोन होल। ठीक है, और ये हुआ किसकी वजह से, ये हुआ है क्लोरीन और ब्रोमीन के एक्टिव हो जाने की वजह से, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, इनके एटम जो है ओजोन के एटम को नष्ट कर देते हैं, जिससे ये छेद बना है। तो काफी खतरनाक है ये वैसे जो हम प्रदूषण करते हैं उससे भी बनता है। ठीक है, तो हमारे लिए नुकसान होता है, लेकिन जो अभी लॉकडाउन लगा है उससे हमें ये फायदा भी हुआ है, क्योंकि हमने प्रदूषण जो है बिल्कुल कम कर दिया, ट्रैफिक था नहीं या बाकी जो फैक्ट्रियां थी वो भी बंद ही थी, तो ऐसे में क्या हुआ है, प्रदूषण कम हुआ, जिससे ओजोन का जो ये छेद है ये भरने लगा था। ठीक है, बाकी आगे हो सकता है जब हम प्रदूषण काफी कम कर देंगे या बिल्कुल ना के बराबर होगा तो ये ओजोन का छेद भर जाए। हमारे लिए फायदेमंद है ओजोन लेयर, क्योंकि ये हमें जो है सूर्य में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं, हमें कैंसर जैसी बीमारियां दे सकती हैं, तो उनको ये रोक लेती हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।